अरे मेरे ही टीम वालों ने मुझे मार के भगा दिया। अरे यार मैं तो नाम का एंटी वैनम रह गया। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी इन लोगों ने, मुझे बहुत बुरा मारा और भगा दिया। अब मुझे भूख लग रही है और मुझे बर्गर खाना है, लेकिन मैं बर्गर कहाँ से खाऊँ, पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो बिल्कुल नूब एंटी वैनम बन गया, मैं कहाँ जाऊँ। पेड़ में अटक गया। कोई बात नहीं है, मैं किसी से उधार पैसे लेकर बर्गर खाता हूँ और थोड़ी बहुत पावर्स लेता हूँ। भैया जल्दी जाता हूँ। आंटी जी सुनो। ए आंटी किसको बोल रहा, चल रही। कोई सच्ची नहीं है यार। अरे बाप रे, ब्लैक स्पाइडरमैन कहाँ जाएगा? तेरी तो तुझे खत्म कर दूंगा मैं एंटी वैनम। तुझे तेरा जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? जिले तू हम सबसे हार गया है, इसलिए अब तू जान से मरेगा। मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। अरे मुझे क्यों मार रहा है यार, मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है। प्लीज छोड़ दे मुझे, मुझे जाने दे, प्लीज छोड़ दे। नहीं तू पिटेगा, समझा? तेरी कोई इज्जत नहीं है, आज तुझे हमें जान से मार दूंगा। अरे नहीं जाने दे प्लीज मुझे, मेरी कोई इज्जत बेशक नहीं है, लेकिन मेरा जीने का पूरा हक है। मुझे बर्गर खाना है, प्लीज कुछ पैसे दे दे। नहीं तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, समझा? तू नाकारा है, निकल यहाँ से। तूने आज तक कोई भी मिशन नहीं किया और किसी की मदद भी नहीं की। अरे भैया बर्बाद होगा। अरे बाप रे यार, ये किसकी आवाज़ आ रही है, ये कौन इतनी बुरी तरह? अरे बाप रे, ये क्या हो गया दोस्तों, जल्दी जाता हूँ। अरे यार यार, चारों तरफ क्या हो रहा है? अरे बाप रे, भगदड़ मच रही है। तमाम बर्बाद। अरे भैया फट गया। अरे यार दोस्तों, ये तो एंटी वैनम है। एंटी वैनम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तुम्हारे साथ क्या हुआ मेरे दोस्त एंटी वैनम, क्या हुआ? अरे शिनचैन, मुझे मेरी टीम के लोगों ने बहुत बुरा मारा और मुझे यहाँ कूड़े कबाड़े की तरह फेंक दिया। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, आजकल टेरिटरीज को आजकल ये लोग इनको भगा रहे हैं। हाँ सही कहा तुमने, मुझे बहुत बुरा मारा और भगा दिया। प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद करोगे बर्गर खिलाने में, क्योंकि मुझे अभी गॉड एंटी वैनम बनना है। अरे आप पागल हो गई हैं क्या? गॉड एंटी वैनम इतना आसान नहीं है। गॉड एंटी वैनम बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, और आप बर्गर खाएंगे तो और ज़्यादा नूब बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, बर्गर खाने से कोई पावर नहीं मिलती और भग जाती है। अच्छा ऐसी बात है, तो वो पागल हल्क तो बोल रहा था कि हाँ बर्गर खाने से पावर्स आती हैं। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल पागल है। वैसे आप मेरे साथ चलो, मैं आपको माउंट चिलियाड पर लेकर चलता हूँ और आपके साथ कुछ ट्रेनिंग और एक्सपेरिमेंट करूँगा, और मैं वादा करता हूँ आपको पहले प्रो एंटी वैनम बनाऊँगा और उसके बाद मैं आपको गॉड एंटी वैनम बना दूँगा। अरे वाह बच्चे, तुम तो बड़े ही अच्छे हो, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? मेरे तो पैर टूट गए, वो बहुत बुरा मार कर गया है ब्लैक स्पाइडरमैन मुझे, बहुत बुरी पटकी आवाज आई है उसने मुझे में। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई, ब्लैक स्पाइडरमैन ने आपको मारो। ये कौन सी कमाल की बात हो गई है? अरे अभी मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको अपनी शर्ट लेकर चलता हूँ, चलो मेरी शर्ट। तो ठीक है गाइस, मुझे अब इनको जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स दिलानी होगी। उसके लिए एंटी वैनम भैया, आपकी पहली ट्रेनिंग है कि आपको कुछ खतरनाक सी जगह चढ़कर बहुत ही खतरनाक वाली पुशअप्स लगानी होगी, और साथ ही साथ में मैं आपको और ज़्यादा कठिन और जो भी होता है ट्रेनिंग करवाता रहूँगा। हाँ ठीक है बच्चे, मैं समझ गया। चलो ठीक है, अब बताओ मुझे कहाँ पर पुशअप्स करनी है? आपको यहाँ खड़े होकर जो कि मेरे सामने दिख रहा है ना सबसे ऊपर ऊंचा वाला रैंप, उस पर करनी है। अरे मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी बच्चे। हाँ यही तो, हालत ख़राब होना ज़रूरी है। चलो एंटी वैनम भैया, अब आलस मत करो और जल्दी से पुशअप लगाना स्टार्ट करो। ठीक है बच्चे, मैं लगाता हूँ। अरे दोस्तों, हमारे एंटी वैनम भैया को सपोर्ट तो करो, थोड़ी सी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी, और कमेंट में वैनम ओपी लिखना मत भूलना। अरे यार बड़ी मेहनत लग रही है, फिर से ट्राई करता हूँ। अरे अरे आराम से, चलो ठीक है। अरे कितनी लगानी है सिंचन, हम तो तबाह हो जाएंगे यार। अरे बस हो गया हो गया, चलो अब नेक्स्ट ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है चलो, अब ये हो गया। अरे वाह, हमको थोड़ा सा तो एनर्जेटिक फील हो रहा है अब। सिंचन अरे वाह, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मतलब है कि हम आपको चेक करने वाले हैं कि आप में ड्यूरेबिलिटी कितनी है।
अरे भैया हम में कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, हम ऐसे ही टपक जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, आपने जो ट्रेनिंग की है ना उसकी वजह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी पावर्स आ गई हैं। अब चलो मैं आपको ट्राई करने वाला हूँ कि आपके पास कैसी ट्रेनिंग है और उसके साथ साथ में आपके पास कैसी पावर्स होंगी। ठीक है। अरे भैया अरे एक मिनट, हमें तो असर भी नहीं हो रहा। तुम तो सही कह रहे थे सिंचन, सही कह रहे हो, हम तो काफ़ी कमाल के हो गए यार। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। चलो ठीक है, अब मैं आपकी ट्रेनिंग को जल्दी से जल्दी पढ़ाता जाता हूँ जिससे कि आप और पावरफुल बन जाओ। जेलो जेलो जेलो, चारों तरफ घूसे घूसे लातबाजी। ओह मज़ा आ गया। अरे भैया कैसे घूसे लातबाजी, हैं तो कुछ भी असर नहीं पड़ रहा इससे। ओ ऐसी बात है, तो ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ इससे। ओ मज़ा आएगा दोस्तों रॉकेट लॉन्चर से। अरे नहीं भैया, यह तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हम तो भैया बैंड बज, एक मिनट हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अजीब बात दोस्तों इनकी, अरे भाप रही बैंड बज गई। ओ हाँ वो तो हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं बच्चे, इतना कुछ भी नहीं हुआ हमको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग में देखते हैं क्या होता है आपके पास। अरे वाह ये तो काली पड़ गई दोस्तों, अभी आपको और सुपर पावर बनना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, चलो आपको ट्रेवर भैया के एयरपोर्ट पर लेके चलते हैं और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करवाते हैं। अरे बच्चा यहाँ क्या करना है ये तो बताओ। आपको यहाँ पर कुछ गूंज से लड़ना होगा। अच्छा कुछ गूंज से लड़ना, ठीक है उनकी तो मैं ऐसे ही बैन हो जा दूंगा। ठीक है तो जाओ जल्दी से, वहाँ पर कुछ लोग रॉबरी करने आए हैं, मैं छुप जाता हूँ और आपको उन लोगों की बैंड बचानी होगी एंटी मैडम भैया। हाँ ठीक है, हम अपनी सुपर पावर्स एक्टिवेट करके उन सबकी बैंड बजा देंगे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तो ठीक है दोस्तों अभी बताता हूँ, बाहर निकला कहाँ पर है। ये रहे ओ मारो उसको, ये तो है भैया मारो, इसकी कोई जान नहीं है, मारो मारो उसको। ओए डंडा बजा दूंगा ये ले, ओए और तुझे अरे भैया मार दिया। ओए हमारे बॉस ड्राइवर को बुलाओ, ओए इसको आया। तो मैं बताता हूँ रुको, मेरे पास खतरनाक पावर्स हैं। तुम सबके सब मरोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला ऐसे हमला। अरे बाप रे ये तो मैं कह रहा है, मैं तो प्रो एंटी वैनम बन गया दोस्तों, क्या बात है, मेरी तो पावर्स बढ़ती जा रही है और मैं खतरनाक प्रो एंटी वैनम बन गया हूँ। ओए ओए तूने कह रहा भैया, ओए छोड़ दे हमको। देखा देखा कैसा बुरा मारा मैंने इसको, मजा ही आ गया। चलो सिंचन के पास अब चला जाए और इसको दिखाया जाए कैसी पावर है हम पे। ये काम कैसे, अरे बाप रे ये लो तुम भागोगे मुझसे बच के। ओए ओए छोड़ दे मुझे, ओए मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। चलो भैया ये सब मर गए, चलो आप सिंचन को बताते हैं कि हम पे कैसी पावर है। अरे वाह आप तो प्रो एंटी वेनम बन गए, देखा दोस्तों हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। लेकिन अब आपको एक बहुत ही कठिन पार्टिसिपेशन करनी होगी। या क्या होता है पार्टिसिपेशन, अरे मेरा मतलब कंपटीशन, समझाया करो ना। हाँ ठीक है समझ गया बच्चे, तो किससे करना है कंपटीशन, मुझसे। बच्चे मजाक मत करा, तुम तो पिटी जाओ ऐसी पिट जाओगे। अरे आपने मुझे समझा क्या है, मेरे पास असल में आप ही की फैमिली के बंदे की पावर्स हैं। किसकी पावर्स हैं, उस ब्लैक स्पाइडरमैन की। अरे नहीं मेरे पास तो कार्नेज की पावर्स हैं। अरे नहीं हम तो पिट जाएंगे गंदे वाले। हाँ ठीक है देखते हैं। जल अरे बाप रे इनके पास तो पावर है काफ़ी दोस्तों। ये लो एंटी वेनम भैया आप तो मुझसे पिट रहे हो। हाँ ठीक है कभी कभी पिटना भी होता है, लेकिन हम तुम्हें हरा के रहेंगे और हम गॉड एंटी वेनम बन ही जाएंगे बच्चे। हाँ ठीक है देखता देखा जाएगा कौन किसको हराता है, फिलहाल तो मैं आपकी बैंड बजा रहा हूँ। इतनी आसानी से नहीं हारेंगे हम। अब समय आ गया तुम्हारी बैंड बजाने का सिंचन बच्चे, थोड़ा सा यार हमें भी तो मौका दो पिटने का है। क्या बोल रही हैं, मैं आपको पीट ही तो रहा हूँ। अरे मेरा मतलब पीटने का यार। हाँ ठीक है चलो थोड़ा सा मौका दे देता हूँ। चलो अब ठीक है अब मैं आपको ट्रेनिंग के अब। हाँ ठीक है सिंचन हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहे हो, अब तुम हमें मौका दे रहे हो तो ठीक है। ये देखो हम बन गए हैं गॉड एंटी वैनम। दोस्तों गॉड एंटी वैनम तो मैं बन गया हूँ, लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि गॉड एंटी वैनम के पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो मैं इतना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा हूँ। तो अब मुझे अपनी टेरिटरी से बदला लेना है, उस कार्नेज से, रेड वैनम से, उन सब से। उन सब ने मेरा इतना बुरा हाल किया था, मुझे मारा था ब्लैक स्पाइडरमैन ने। अब मैं उन सब की बैंड बजा दूंगा सिंचन के साथ मिलकर, और उसके बाद मैं उन सबको जान से भी मारूंगा। लेकिन उसके लिए पार्ट टू का आप सबको इंतज़ार करना होगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पार्ट टू आए तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और कमेंट में पार्ट टू ज़रूर लिखना है, क्योंकि एंटी वैनम वापस लौटेगा बहुत बड़ी तबाही के साथ।